हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पांडवों के सबसे छोटे भाई और सभी पांडवों में कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज और अन्य प्रिय सहयोग। हमको पता है कि किस प्रकार से ये महान इक्ष्वाकु वंश में शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य और चित्रंगदा के बाद विचित्र वीर्य से जन्म लेते हैं, या विचित्र वीर्य के पुत्र है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। और पांडु राजा, जैसे हमें पता है कि उनको ज़्यादा रुचि नहीं थी राज्य का राजकारण या अन्य चीज़ों में, या राजनीति करने में, अन्यथा इस जगत के भोग विलास में, तो वे संन्यास रूपी या वैराग्य वानप्रस्थ की तरह रहने की इच्छा रखते हैं। और वो जाते हैं हिमालय के तट पर, तो वहाँ पर किडिंब मुनि मुनि जो थे उनके द्वारा शापित होते हैं। और उनको शाप मिलता है कि जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी का संग कर रहा था इस मृग के शरीर में, प्राणी के शरीर में, उसी समय जब आपको राजा इच्छा होगी तो आपकी भी इसी प्रकार से मृत्यु हो जाएगी जब आप संग करने का प्रयत्न करोगे अपनी पत्नी का। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि पांडु माद्री से एक बार आकर्षित हो जाते हैं। माद्री बहुत रोकने का प्रयत्न करती है, फिर भी वो उनसे रुका नहीं जाता है, और इस प्रकार राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है। उसके पूर्व कुंती देवी महान तीन पुत्रों को जन्म देती है, युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन। फिर माद्री जाकर निवेदन करती है कि हमें भी एक पुत्र देने, हमें भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, पांडु को कहते हैं। और वो जाकर मंत्र ले आते हैं, और माद्री मंत्र का, उनको पता है फिर मंत्र मिले अगर या नहीं मिलेगा दूसरी बार, इसलिए पहली बार ही वो अश्विनी कुमारों को बुला लेते हैं। और अश्विनी कुमार जुड़ गए हैं तो उनसे उनको नकुल और सहदेव जन्म लेते हैं। तो सहदेव बचपन से उनके जीवन में ऐसी विपदा थी कि उन्होंने पिता को खो दिया कम आयु में। फिर उसके बाद जैसे ही पिता को खोया, पिता के शव पे ही माता ने अपना सती करा लिया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से माता पिता दोनों नहीं होते हुए बहुत सारे बच्चे इस जगत में जिनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, अधिकतर वहाँ पर देखा गया कि वो क्राइम या अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, या जो व्यक्ति का अधिकतर मानसिक संतुलन बिगड़ता है, या उनके जीवन में कुछ समस्या होती है, या बहुत सारे जो अधिक लोग हैं उनका जो क्राइम के फील्ड से जुड़े हुए हैं, पुलिस लोगों का रिसर्च है कि कहीं ना कहीं उनको बचपन में प्रेम नहीं मिला है, स्नेह नहीं मिला है, या माता का या पिता का या दोनों का। स्वाभाविक रूप से या नेचुरली ऐसा होना चाहिए कि केवल माता पिता का प्रेम नहीं, दादा दादी, काका काकी, मौसी और अन्य जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब का प्रेम जब व्यक्ति को मिलता है, मित्र और समाज के जितने भी लोग हैं, तब व्यक्ति का जीवन विकसित होता है, तब व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास करता है, तब व्यक्ति पूर्ण रूप से एकदम इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहता है। और उसको कोई भी जीवन में कभी ऐसा लगता नहीं है कि ये मेरे में कमी पड़ी है। तो साधारणतः पाश्चात्य देश में हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन का, कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो एक पेरेंट्स के साथ बड़े हो रहे हैं, या तो माता उनके साथ रहती है या पिता रहते हैं, दोनों रहना बहुत ही कम संख्या में आजकल हो रहा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूएस जैसे देश प्रयत्न कर रहे हैं कि कम कैसे हम ये डाइवोर्स रेट को रोक पाए। तो पाश्चात्य संस्कृति जो हिडोनिज्म और केवल मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद और नास्तिकवाद के आधार पर ये जीवन जीते हैं, उसका कई हद तक आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे भौतिक सुख मिल सकता है, विकसित रोड मिल सकते हैं, विकसित शहर मिल सकता है, बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा जीवन में, परंतु इसका एक लाइफ स्पैन है, ये निरंतर शाश्वत काल के लिए नहीं रहता है। और कुछ समय के बाद या कुछ शताब्दियों के बाद ये तथाकथित जो कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या मार्केट का डेवलपमेंट है, अन्य चीज है, वो आज नहीं तो कल नीचे घिसर कर आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि सहदेव को प्रेम की कभी कमी नहीं पड़ी। उसका कारण क्या है? कुंती देवी, कुंती महारानी उनको माता और पिता दोनों का स्नेह देते हैं, और पिता की जो भी कमी थी वो विदुर पूर्ण करते हैं और भीष्म पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार सहदेव के चारों भाई उनको प्रेम करते थे, खास करके युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन बहुत प्रेम करते थे। और गुरुकुल में शिक्षा ले जब ये वापस हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो बचपन से ही सहदेव देख रहे थे कि दुर्योधन और अन्य लोगों को द्वेष है, खास करके भीम से। तो इस प्रकार उस ऐसे वातावरण में वो जीते थे जहां पर निरंतर उनके प्रति पक्षपात होता था, निरंतर उनका शोषण होता था, निरंतर उनके प्रति घृणा की भावना रखते थे, और कोई और नहीं, चाचा के ही भाई पुत्र सभी लोग।
और उसके उनके जो चाचा जी है, काका है, वो कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो ये देखकर और दुखी होते थे, बड़ों को भी पूछते थे सहदेव कि ऐसा क्यों है, परंतु उत्तर नहीं मिलने के बाद वे जब अधिकतर बार जब भीष्म और विदुर उत्तर नहीं दे पाते थे तो युधिष्ठिर महाराज उनको बताते थे कि कैसे, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमा पायो नित्य स्थान तितिक्षस्व भारत। वो उनको कहते हैं कि देखिए इस जगत में ये तो सदैव चलता ही रहेगा, हमको क्या प्रयास करना है, गर्मी हो ठंडी हो सुख हो दुख हो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमको सहन करने की इच्छा होनी चाहिए। तो इस प्रकार सहदेव को युधिष्ठिर महाराज का संग बहुत मिला, और इसी कारण जब गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं तो क्षत्रिय का जो कार्य है, विद्या में बहुत अव्वल थे, परंतु सभी लोग महान बैट्समैन होते हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं, परंतु आज के डेट में देखा जाए तो स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, विराट कोहली का लीग अलग है, बाकी सब भी अच्छे बल्लेबाज हैं पर इनका लीग अलग है। उसी प्रकार अर्जुन का लीग एक पार अभाव था और बहुत जबरदस्त धनुर्धर थे अर्जुन, तो ये सभी को पता था, और इससे कभी किसी को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। सहदेव को कभी ऐसा विचार नहीं आया, नकुल दिखने में बहुत सुंदर है, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, धर्मशास्त्रों का ज्ञान जानते हैं, विश्व विख्यात है, सब लोग उनको प्रेम करते हैं, और हमारे जो अर्जुन है वो भी बहुत सुंदर है दिखने में, और उसके अलावा इतने महान धनुर्धर है, तो ये देखकर या भीम की शक्ति देखकर कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि आगे जाकर फ्यूचर में जब पांडवों का वर्णन करेंगे तो मेरा वर्णन नहीं होगा इतना, तो मुझे इनके शैडो से, इनकी परछाई से निकलकर कुछ का कुछ तो बताना पड़ेगा, खुद का कुछ तो निर्माण करना होगा। आजकल परिवार के स्तर पर और समाज के स्तर पर भी हम देखते हैं लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत पागल है, लोग अपने आप को कैसे ना कैसे जीतना है, लोगों को बताना है कि मैं कितना महान हूं। पैशन अंदर रहना कुछ करने के लिए और एक एम्बिशन रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर कोई भी एम्बिशन अगर ऑब्सेशन में बदल जाता है, पागलपन में बदल जाता है, तो वो हानि ही पहुंचाता है, द्वेष ही निर्माण होता है जिस व्यक्ति के पास वो है। तो इस जगत में दो प्रकार के लोग ही है, तो एक तो हैंकरिंग करते हैं जो उनके पास नहीं है उसको प्राप्त करने का, जब अभी सबसे श्रीमंत श्रील प्रभुपाद बताते हैं जितने भी शक्तिशाली लोग इस जगत में हैं और अमीर लोग हैं श्रीमंत लोग हैं, उनकी समस्या क्या है कि उनके प्रति बहुत लोगों का द्वेष है, जो हमारे पास नहीं है तो जिसके पास है उसके प्रति द्वेष करो। तो ये पूरा कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट फिलोसफी यही था कि राजा हो राजघराने हो इन सबको गिराओ, रशिया का जार हो, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, स्पेनिश रिवोल्यूशन हो, इंग्लैंड का ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो, या चाइना का माओ का रेवोल्यूशन हो, किसी भी प्रकार का जितना भी रेवोल्यूशन इस जगत में कहीं पर भी हुआ है, हमने अधिकतर बार देखा है कि हर स्तर पर हमेशा यही प्रयत्न किया गया है कि किसी ना किसी प्रकार से जो जिनके पास धन है वो लूट लिया जाए, और जो जिनके पास नहीं है उनको लूटा हुआ धन रॉबिनहुड की तरह बांटने का प्रयत्न करते हैं, पर ये कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। ना रशिया में सक्सेसफुल हुआ, यूएसएसआर के रूप में टूट गया देश, ना यूगोस्लाविया में सक्सेसफुल हुआ, ना चाइना में सक्सेसफुल होगा। हालांकि अभी दिख रहा है हमको कि चाइना प्रगति कर रहा है, परंतु कम्युनिस्ट फिलोसफी को कहीं फॉलो नहीं करता है, वो केवल कम्युनिज्म का झंडा लहराते हैं पर पूरा कैपिटलिज्म यूएस के मार्केट की तरह कार्य करता है। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हर एक वस्तु का इस जगत में जिसके पास है उसको हमेशा दुख रहता है कि कोई ले गया तो क्या होगा, और जिसके पास नहीं है वो हमेशा लेने का प्रयत्न करते हैं। तो लैमेंटिंग और हैंकरिंग, संकल्प और विकल्प, इसके अलावा और कोई व्यक्ति कार्य करते ही नहीं है, पर सहदेव संतुष्ट थे, समाधानी थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का उनको हमेशा मार्गदर्शन मिलता था और उनके संग के कारण उनको शास्त्र पढ़ने में रुचि अधिक बढ़ गई, और फिर बहुत शास्त्र पढ़ते थे, निरंतर शास्त्र पढ़ने के कारण वो ज्ञानी हो गए, और अनेक अनेक शास्त्रों को उनके टीका, उनका अर्थ, सब कुछ डिटेल में जानते थे। ऐसा कोई भी चीज नहीं था शास्त्रों में जो जानते नहीं थे, और द्रोणाचार्य के, महान गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ पर उन्हें घोड़ा घोड़सवार कैसे करना है, तलवार कैसे चलाना है, धनुर्विद्या तो उनको आता ही था, परंतु घोड़ा चलाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट थे हमारे सहदेव। तो आज ही के दिन 1995 में क्रिस्टोफर रीवर नाम के एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर है, प्रसिद्ध है, उनको घोड़ा चलाने की बहुत इच्छा थी, परंतु घोड़ा इतना आसानी से संभलता नहीं, और कोई घोड़ा अगर थोड़ा सा बहुत ही क्या कैसे हो कह सकते हैं आपकी बहुत ही अधम हो और आसानी से हाथ में नहीं आता है, तो उसके ऊपर प्रयास करना
लोगों को लगता है कि इसको अगर मैं शांत कर दिया तो मैं हीरो बन जाऊंगा, तो इस जगत में भी वो हीरो बनने का प्रयास करते हैं और उस घोड़े पर बैठकर वो उसको संभालने का प्रयत्न करते हैं, पर वो कुछ संभलता नहीं है और घोड़ा उनको नीचे फेंक देता है और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। उस दिन के बाद से उन्होंने रीढ़ के हड्डी के इंजुरी वाले जितने भी लोग हैं उनको सेवा करते हैं अमेरिका में, क्योंकि उनको स्वयं को भी पता है कि कितना दुखदाई है। तो सहदेव भयंकर से भयंकर, जंगली से जंगली घोड़े को संभाल लेते थे, उनको नियंत्रण में लाते थे और नियंत्रण में लाकर उसको ठीक कर देते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सहदेव द्रोणाचार्य के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब राज्य में आते हैं और वो फिर अपना प्रदर्शन दिखलाते हैं और उनके तलवार के कलाओं को देखकर, तलवार के कौशल्य को देखकर सब लोग चकित हो जाते हैं। भीष्म कहने लगते हैं, हे कुंती, आपका ये पुत्र बहुत ही शक्तिशाली है तलवार चलाने में। और भीष्म उसको नोट करते हैं कि तलवार चलाने में बहुत ही शक्तिशाली है और बाद में यह सेवा में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में प्रवर्तित करते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन माया दानव का सहायता लेकर, और इतना महान राज्य का निर्माण होता है, दुर्योधन को भी जलन आती है। तो राजसूय यज्ञ होने से पूर्व, अभी राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज की इच्छा होती है, तो राजसूय यज्ञ में आपको चारों दिशाओं में सबको हराना पड़ता है, या वो मैत्री हो तो आपको शांतिपूर्वक आपके राज्य में उपहार लेकर आएंगे। तो आपको बेसिकली सम्राट बनना है पूरे विश्व का। तो सहदेव को दक्षिण की दिशा में भेजते हैं और दक्षिण की दिशा में हम देखते हैं कि कैसे अनेक अनेक महान राजा थे। मेरे पास कम से कम 100 राजाओं का लिस्ट है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे, परंतु जो मुख्य थे उनके बारे में वर्णन करता हूँ। और दक्षिण का दिशा, मैंने आपको पहले भी बताया कि लंका, ये जो श्रीलंका दिखता है, जो सिलोन था, वो नहीं है। वो केवल एक प्रतिबिंब की तरह है या केवल एक कनेक्शन होगा जो स्वर्ग के स्तर पर या ऐसा दैविक स्तर पर जहां पर कुबेर ने वो लंका बनाई थी। तो उसी प्रकार से दक्षिण की दिशा में मैं जब कह रहा हूं तो केवल आप इंद्रप्रस्थ के नीचे का जो दक्षिण का दिशा है उसको ज्योग्राफी के लिए अगर समझने का प्रयत्न करो तो इंद्रप्रस्थ मतलब आप न्यू दिल्ली समझ लो, तो न्यू दिल्ली के नीचे क्या क्या राज्य आ सकता है? राजस्थान आ सकता है, मध्य प्रदेश आ सकता है, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर ये पूरे उड़ीसा आ सकता है, कलिंग प्रदेश, फिर उसके बाद यहाँ पर आंध्रा, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर गोवा जिसको गोमंतक कहा जाता था, और फिर केरल, तमिलनाडु, तो इस प्रकार के राज्य आ सकते हैं। पर उसके अलावा भी बहुत सारे राज्यों का और राजाओं का वर्णन है। तो चकित मत हो जाइए, जो हम देखते हैं ग्लोब सिस्टम और जो ज्योग्राफी हमको पता है उससे बड़ा ज्ञान है श्रीमद् भागवतम में, और वहां पर जाने का मार्ग अलग है। ये सेल्फ ह्यूमन बॉडी में जो हम अभी जी रहे हैं उसमें नहीं जा सकते, उसकी कोई योग्यता लगती है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि सर्वप्रथम दक्षिण की दिशा में इनको जाने को क्यों कहता है, कहते हैं भीष्म देव कहते हैं कि दक्षिण के दिशा में जितने भी राजा है वो तलवार चलाने में और उनके जो सेना है वो तलवार में बहुत माहिर है, तो सहदेव को ही उस दिशा में भेजिए। तो सहदेव जब उस दिशा में राजसी यज्ञ के लिए अपने भैया की सेवा के लिए वो जब जाते हैं तो सर्वप्रथम सूरसेन का राज्य आता है, वहां हराते हैं, फिर पांड्यन राज्य आता है, फिर मत्स्य राज्य आता है, फिर दंतवन का राज्य आता है, फिर उसके बाद सुकुमार का राज्य आता है, सुमित का राज्य आता है, फिर पचतास के राज्य आता है, और नीचे जाते हुए एक जो किष्किंधा राज्य आप सबको पता है, जो आज के डेट में ज्योग्राफी के लिए हम्पी के आसपास सेंट्रल कर्नाटक में आएगा, जहाँ पर वाली का राज्य था और बाद में सुग्रीव उसके राजा बने। तो उस किष्किंधा क्षेत्र के अभी त्रेता युग के बाद द्वापर युग के अंत तक एक राजा थे, दो भाई जो अश्विनी कुमार के ही पुत्र थे देवताओं के, द्विविद और महेंद्र। तो द्विविद और महेंद्र बहुत शक्तिशाली थे, राम की सेवा में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, परंतु राम के ही जो भक्त है सहदेव उनको नहीं देख पाए, कृष्ण के भक्त को, और उनके साथ उनका युद्ध हो गया। बहुत दिन तक युद्ध चला, 20 दिन तक युद्ध चला, परंतु बाद में सहदेव इन पर भारी पड़ गए। तो महेंद्र और द्विविद को पता चला कि ये कोई महान व्यक्ति होंगे। फिर उसके बाद आगे का, और वो कहते हैं कि आपके यहाँ पर राजसूय यज्ञ में हम बिल्कुल आएंगे। फिर आगे का राज्य आता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने फेमस बाहुबली मूवी देखा होगा, तो माहिष्मति राज्य। ये माहिष्मति राज्य था कार्त्यवीर अर्जुन का, और ये कार्त्यवीर अर्जुन ही एक क्षत्रिय था जिनके 1000 भुजाए थे और जिन्होंने बंदी बनाया था रावण को। तो रावण को बहुत कम लोगों ने हराया था, श्री रामचंद्र के पहले वाली ने एक बार हराया था और इन्होंने, कार्त्यवीर अर्जुन ने।
कार्तिक अर्जुन ने तो हाथ पांव बांध के उनको डाल दिया था जेल में, किनको, रावण को। और उनके जब नाना जी या दादाजी आते हैं पुलत्स्य मुनि, तो पुलत्स्य मुनि जब आकर कहते हैं कि इसको क्षमा कर दो, तब छोड़ा जाता है रावण को, अन्यथा रावण जिंदगी भर जेल में चढ़ता और प्राण वहीं पर छोड़ देता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ये कार्तिकवीर अर्जुन अपने शक्ति के घमंड में एक बार जमदग्नि मुनि का वध कर देते हैं, और इसके बाद परशुराम प्रतिज्ञा लेते हैं कि क्षत्रिय द्वारा मारा गया तो 21 बार सभी क्षत्रियों का मैं संहार करूंगा, और एक एक करके वो सब क्षत्रियों को मार देते हैं। तो इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से है। तो हम इस महिष्मति राज्य के अभी राजा थे नील, और नील बहुत ही महान शक्तिशाली राजा थे। और एक बार अग्निदेव वायु के मार्ग से जब जा रहे थे तो नील प्रदेश को देखते हैं, राजा नील के प्रदेश महिष्मति में, और उनकी पुत्री को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और उनके पुत्री से विवाह करते हैं। तो अग्निदेव का विवाह उनसे नील के पुत्री से होता है, और इनके बाद वो नील कहते हैं कि हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण होगा, जब भी कोई व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी आएंगे तो कृपा करके हमारी रक्षा करने का प्रयत्न कीजिए, या सहायता होगी तो आप आ जाइएगा। तो इस प्रकार जब ये आक्रमण करते हैं तो बहुत दिन तक युद्ध चलता है और सहदेव उन पर भारी पड़ने लगते हैं, पर अचानक वो देखते हैं कि सब जगह अग्नि लगने लगती है, और आग लगने के कारण बहुत सारे उनके सैनिक जल रहे, उनके पास आ रहा था अग्नि। तो उनको, सहदेव को भगवान के महान भक्त होने के कारण, देवताओं से हमको प्रतिशोध या युद्ध नहीं करना है, उनको पता है, तो हाथ जोड़ के अग्निदेव के, क्योंकि शास्त्र उनको पता था, तो केवल शस्त्र जिसको उठाना आता है, शास्त्र पता नहीं है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। आधुनिक काल में भी छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या महाराणा प्रताप हो, या पृथ्वीराज चौहान हो, या रानी लक्ष्मीबाई हो, या हमारे कृष्णदेव राय हो, या प्रताप रुद्र महाराज हो, या अन्य राजाएं जितने भी थे भारतवर्ष में अंग्रेजों के काल में या मुगलों के कार्य में, शस्त्र चलाने में ही माहिर नहीं थे, शास्त्र पढ़ने लिखने में और उसका ज्ञान अर्जित करने में बहुत महान थे, इसलिए धर्म का कार्य ठीक से कर पाए, न्याय ठीक से कर पाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि केवल, अधिकतर बार लोगों को लगता है कि केवल शिवलरी, केवल शौर्य, क्षत्रिय शौर्य दिखाना इंपॉर्टेंट है, पर क्षत्रिय गाइड किससे, गाइडेंस कहाँ से मिलता है क्षत्रियों को, भक्तों द्वारा, वैष्णवों द्वारा और शास्त्र द्वारा। तो इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज दो ग्रंथों को पढ़कर महान राजा बन पाए, महाभारत और रामायण, और इसी महाभारत का हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर अग्निदेव की स्तुति में इतने सुंदर प्रार्थनाएं कर देते हैं, अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे नील, इनके राजसूय यज्ञ में आप जाइए और समस्या का समाधान यहीं पर कर दीजिए। फिर सहदेव कहते हैं ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए एक राजा रुक्मी का राज्य आता है और भोजक्त का राज्य आता है, फिर उसके पश्चात नवरत और कुंती भोज के राज्य आता है, फिर किंग जाम्बक, जिनका नदी चर्मवंती के तट पर था, ये लगभग 36 ये लगभग अभी जब डिस्क्रिप्शंस दिया जाता है तो दो जैम जो हमारे ऋषि है वो ज्ञान दे रहे थे जन्मेजय को, वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को ज्ञान दे रहे हैं, जो आज के पाकिस्तान में एक क्षेत्र है तक्षशिला। तो जैसे ही उनके प्रश्न निकलते थे वैसे वो बताते थे, तो इसलिए वो ज्योग्राफिकल ऑर्डर में नहीं है कि पहले उन्होंने दिल्ली के नीचे का एरिया कवर किया, फिर उसके बाद एमपी का एरिया कवर किया। जितनी स्तुति, जितनी इच्छा उनके हृदय में आती थी, प्रश्न पूछते थे तो हमारे वैशंपायन मुनि उनको आंसर देते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फिर निषाद राज आता है, जिसके एकलव्य थे उसमें, फिर उसके बाद गरसिंह और राजा श्रीमंत के पर्वत पर जो राज्य था, उस राज्य को, बहुत सारे राज्यों को हराते भी थे युद्ध लड़कर, और कुछ राजाओं को मार भी दिया था, और कुछ राज्यों ने अस्त्र डाल दिया था, और कुछ राज्यों ने देख लिया कि पांडवों की, युधिष्ठिर महाराज का है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने शरणागत कर लिया और कहा कि हम आएंगे आपके राजसूय यज्ञ में। फिर जाम्बक मुनि का, हम जाम्बक राजा का हमने बताया, फिर वेनव करके एक राजा थे उनका क्षेत्र आता है, फिर उसके बाद नर्मदा के तट पर जितने भी राज्य थे उन सबको हराते हैं। फिर अभी देखो ये होने के बाद वो अवंती के बारे में वर्णन करते हैं, तो अवंती आज के डेट में उज्जैन है, और उसके पास जो राजा थे अनुविंद और दिविंद, उनके राज्य पर वो जाते हैं और उनको हराते हैं। फिर उसके बाद वर्णन है भोजक्त के राजा का, तो ये भोजक्त आता है आज का भोजपाल, जो थोड़ा 1000 साल तक कहा जाता था और आज के डेट में उसका नाम है भोपाल। तो फिर किंग कौशल का राज्य और त्रिपुरा का राज्य आता है, तो ये त्रिपुरा वो नहीं जो नॉर्थ ईस्ट में, ये यहीं पर कहीं सेंट्रल इंडिया में एक त्रिपुरा राज्य करके था। फिर शूर्पणखा का राज्य आता है, फिर तक्षकों का राज्य आता है, फिर दंडक का राज्य आता है। दंडक का राज्य मतलब दंडकारण्य, जिसके बारे में हमने वर्णन सुना उसके बारे में बताते हैं। दंडकारण्य बेसिकली ये जो नॉर्थ महाराष्ट्र है और थोड़ा विदर्भ का क्षेत्र है और थोड़ा वो छत्तीसगढ़ एमपी का बॉर्डर,
तो वो एरिया पूरा दंडक फॉरेस्ट है, दंडक अरण्य, जहां पर प्रभु रामचंद्र रामटेक में प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं सभी पापी दुष्ट राक्षसों को मार दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी अन्य राक्षस बचे कुचे थे उनको सहदेव मारते हुए आगे जाते हैं। फिर एक समुद्र के तट पर, अभी ये तटवर्ती क्षेत्र आया, बेसिकली मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न कोस्ट ही होगा, तो वहां पर एक म्लेच्छ लोग थे जो गोमांस खाते थे, तो उनको मारते हुए फिर संवक के तट पर जो कंपवर करके राजा थे उनको हरा देते हैं। फिर उसके बाद कलमुखास करके एक राजा थे, और ये कलमुखास वो है जो राक्षस और मनुष्यों के, आप क्या कहते हैं उनको, उनका क्रॉस ब्रीडिंग या राक्षस और मनुष्यों के बीच जो विवाह हुआ और उसके बाद जितने ये सब निकले उनका, और अनेक तरह लोगों को मारते हुए फिर एक राज्य आता है जिसके राजा थे सुरभिपात्र, उनको मारते हुए कूपर करके एक पर्वत है, वहां के जितने भी आदिवासी राजा थे उनको हराते हैं। फिर रमक पर्वत के जितने राजा है उनको हराते हैं। फिर एक तिमिंगला करके राज्य आता है, वहां हरा उनको हरा देते हैं। और एक क्या कह सकते हैं आपकी वनवासी एक राज्य था केरक करके, तो वहां पर उनको हराने के बाद वो समजंती, फिर दशंडा, फिर कशतका, फिर उसके बाद पांड्या, फिर द्रविड़। तो ये द्रविड़ साउथ इंडिया ही है, तो द्रविड़ शब्द का दुरुपयोग करके अधिकतर जो तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है वो डिवाइड करने का प्रयत्न करते हैं कि उत्तर भारतीय सभी आर्यन है, हम दक्षिण जो द्रविड़ है ये एक्चुअल ओरिजिनल इंडियन है, ऐसा नहीं है। वैदिक सभ्यता से उत्तर भारतीय जो भी अभी है और द्रविड़ हमेशा से थे, तो द्रविड़ शब्द का अर्थ केवल दक्षिण भारत के लोग जो अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं उस प्रकार से नहीं था। फिर आंध्र, फिर उसके बाद वो कलिंग का वर्णन करते हैं कि उड़ीसा के यहाँ पर कैसे उन राजाओं को हराया था। फिर यवन के बारे में वर्णन करते हैं, फिर उश्रकटास करके राज्य थे उनका वर्णन करते हैं, और जो पुरंजन के राज्य एक था उस राज्य के जो लोग हैं उनके बारे में वर्णन करके इस प्रकार से सहदेव सब पे विजय प्राप्त करके सब उपहार लेकर उनको और बहुत लोगों को निवेदन करके और उनको निमंत्रण देकर वापस सहदेव पहुंचते हैं राज्य में। फिर भीष्म, बाकी युधिष्ठिर महाराज सब स्तुति करते हैं। अब राजसूय यज्ञ के लिए जो भी करना था चारों भाइयों ने कर दिया, चारों दिशाओं में जाकर। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आता है राजसूय यज्ञ में कि अग्र पूजा किनका होगा, इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना नाम ले रहे थे, किसी को इच्छा थी कि भीष्म बने, किसी को इच्छा थी कि विराट बने, किसी को इच्छा थी कि भयलिका बने, पर अधिकतर लोगों की सहमति एक व्यक्ति पर हो रहा था, और वो सहदेव को। युधिष्ठिर महाराज सहदेव की ओर देखते हैं क्योंकि सहदेव शास्त्र में निपुण है, वो कहते हैं एकल ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही भगवंत है। एते चाम कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृध्यन्ति युगे युगे। और हम अन्य शास्त्रों से क्लियर कट जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सबके स्वामी है, ब्रह्मा शिव सभी देवताओं के स्वामी श्री कृष्ण है। और इस प्रकार से वो बतलाते हैं कि देवकी के गर्भ से ये जन्म लिए व्यक्ति को साधारण मत समझिए, क्योंकि ये जन्म जब वो लेते हैं उस प्रकार देवकी का पूरा शरीर इतना सुंदर हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है वो काल कोटरी, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और बचपन से वो बताने का प्रयास करते हैं कि कुछ ही दिन के थे तो 12 किलोमीटर लंबी राक्षसी पूतना का वध कर देते हैं। फिर उसके बाद अनेक अनेक प्रकार के अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, फिर प्रलंबासुर, और फिर उसके बाद कंस जैसे राक्षस राजा जो हमारे ही वंश के थे परंतु एकदम राक्षस वृत्ति का था, तो उस वृष्णि वंश के उस कंस को मार दिया जाता है यदुवंश के। और इस प्रकार हमने ये देखा है 16 बार जरासंध को हराते हैं। फिर उसके बाद अनेक राजाओं को हराते हुए किस प्रकार रुक्मिणी से उन्होंने विवाह किया, पूरे कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं और उनके तत्व का भी वर्णन करते हैं सहदेव। और सहदेव के कहने पर सभी लोग उनसे सहमत होते हैं। भीष्म खड़े होकर फिर उनको मौका मिलता है कृष्ण की स्तुति करने का, और वो कैसे बतलाते हैं कि परम ब्रह्म है, परम सत्य है, सभी भक्तों का आश्रय है और ये भक्त वत्सल है। इस प्रकार से भीष्म भी उनकी स्तुति करते हैं। पूरे इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। दुर्योधन तो न्यूट्रल हो जाते हैं, दुर्योधन को क्या अच्छा है क्या बुरा है वो छोड़ के उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। वो केवल राजमहल को देख रहे थे, इतना सुंदर कैसे बना, इतना सुंदर कैसे बनाया, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। जलन उनके अंदर, एडमिरेशन नहीं आ रहा था उनके अंदर, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते ही जा रहा था। वो विचार कर रहे थे यार इतना सब उनको सब करने के बाद, इतना पीड़ा देने के बाद ये लोग कहीं से कर लेते हैं लोग। तो इस प्रकार से जब वो सोच रहे थे, दुर्योधन अपनी दुनिया में था, तो यहाँ पर शिशुपाल एंटर करते हैं। शिशुपाल जो द्वेष है भगवान के प्रति, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है जीवात्मा में, तो जो द्वेष है भगवान के प्रति
उसको अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है वो है शिशुपाल, और शिशुपाल इतनी निंदा करता है भगवान श्री कृष्ण का, भीष्म खड़े होते हैं, सहदेव खड़े होते हैं, उसके पूर्व ये शिशुपाल मूर्ख कहता है कि सहदेव बच्चा है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, केवल बड़बड़ कर रहा है, उसको लगता है बहुत बड़ा पंडित है, उसे कुछ पता नहीं है। अरे इसका वर्ण का आता पता नहीं कृष्ण का, कि वैश्य है या क्षत्रिय है, अरे वो तो युद्ध से भागा है, जरासंध से भगोड़ा है, तो ये थोड़ी ना हो सकता है कोई आग्र पूजा के लिए व्यक्ति। और फिर उसके प्रति इतने वो कहते हैं भीष्म ने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली है, भीष्म तो नपुंसक है इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, सच्ची बात तो ये है। तो भीम मारने को दौड़ते हैं, भीष्म रोक देते हैं उनको, और युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं शांत, क्योंकि उनको पता था कि रक्त नहीं गिरना है राजसूय यज्ञ में। तो शिशुपाल को लग रहा था कि कृष्ण कुछ नहीं करेंगे, पर कृष्ण इस प्रकार से उनका हेड ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, सर गिर जाता है ऑफकोर्स, और फिर रक्त की एक बूंद नहीं गिरती है, और वो जीव उनके शरीर से, शिशुपाल के शरीर से ज्योति बाहर आती है, जीवात्मा, और श्री कृष्ण के शरीर में समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सहदेव को किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति था, भक्ति था, और शास्त्र का ज्ञान होने के कारण अच्छे रूप से इसको भगवान की स्तुति करते हैं। शिशुपाल ने जो भी भगवान की निंदा की है, जो हमारे श्रीधर स्वामी महाराज है, अन्य वैष्णव आचार्य है, उन्होंने कहा है कि ये स्तुति है, और इसको अच्छी तरह से स्तुति में कन्वर्ट किया गया। तो हम देखते हैं कि राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद वो दूत कीड़ा खेला जाता है, जिसमें सहदेव युधिष्ठिर महाराज अन्य को प्रयत्न करते कि न खेले, पर युधिष्ठिर महाराज अपनी विवशता बताते हैं, और युधिष्ठिर महाराज सब हार जाते हैं, फिर भी सहदेव कभी उनको कुछ नहीं कहते हैं। तो द्रौपदी का अपमान होने के बाद और सभी भाइयों का अपमान होने के बाद, जब एक एक करके जब प्रतिज्ञा लेते हैं, भीम जब कहते हैं कि दुशासन मैं तेरा हाथ उखाड़ फेंकूंगा, युद्ध में तेरे रक्त को पीऊंगा, और उससे उसी रक्त से द्रौपदी के केस को धोऊंगा, और फिर वो नेक्स्ट कहते हैं कि हे दुर्योधन, जो अपनी तू जान दिखा रहा है उसे अगर मैं तोड़ के तुम्हें यमलोक ना पहुंचा दूं, तो प्रतिज्ञा लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि कर्ण को मारेंगे अर्जुन, और इस प्रकार से उनकी प्रतिज्ञा के बाद सहदेव प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस पूरे पाप का जड़ दुर्योधन को पानी देने वाला और उनको फर्टिलाइजर देने वाला, खाद देने वाला व्यक्ति है ये शकुनी, तो इस शकुनी और उनके पुत्र और उनके सभी भाइयों को इस पूरे गांधार के ये कपटी व्यक्ति के सभी राज्य में जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी संबंधी जो युद्ध में सहभागी होंगे, उन सबको मैं मार दूंगा, ऐसा सहदेव कहते हैं। तो इनकी प्रतिज्ञा सुनने के बाद सहदेव डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत शक्तिशाली है सहदेव। तो इस प्रकार से जब उनको वनवास जाना होता है, तो सहदेव अपने पूरे शरीर को ढक लेते हैं, उनको लगता है कि राज्य से हम जब जा रहे हैं तो लोग हमें पहचाने नहीं, और उनको पता ना चले, नहीं तो हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। उनकी इच्छा थी कि जितने भी ब्राह्मण है, जितने भी साधु है, वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती और विदुर का सेवा करते रहे। पर जब वनवास के लिए जा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज को रोकती है कुंती देवी, और माँ का प्रेम बहुत गाढ़ा होता है, और कुंती देवी अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम सहदेव और नकुल को करती थी, तो उनके पुत्र थे, पर साधारण हमने देखा है कि सौत को बाकी बच्चों से इतना द्वेष नहीं रहता है जितना सौतेले पुत्रों से होता है, पर यहाँ पर उनको ऐसा भाव नहीं था। इसका एकदम टिपिकल हम जो एक उदाहरण कहाँ देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, पर सुरुचि को ध्रुव बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि सौतेला था, और किसी कारण से फिर उनको ध्रुव को फिर तपस्या करने के लिए जाना पड़ता है। पर ठीक उसका ही उल्टा उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंती देवी कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी सहदेव को, कहती है युधिष्ठिर महाराज को, आप सब वनवास के लिए चले जाओ, मेरे बच्चे सहदेव को यहाँ पर मेरे पास रहने दो। तो सहदेव उनको आलिंगन करते हैं, तो आज विश्व भर के बहुत सारे देशों में, अनेक अनेक देशों में अनेक अनेक दिन अलग अलग प्रकार के समारोह को मनाया जाता है। तो आज बोलिविया नाम का एक देश है, ये बोलिविया देश आता है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के खंड में आता है, तो वहां पर आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है। तो ये मातृ दिवस क्यों मनाते हैं, कितना भी भौतिकवादी, कितना भी दुनिया किसी भी नरक के दिशा में भी क्यों ना जाता हो, ये चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, को थोड़ा दिन पहले ब्रदर्स डे, तो कुछ ना कुछ डे डे मनाते रहते, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है अपने जीवन का। और नाइजीरिया करके वेस्ट अफ्रीका में एक देश है, जो तेल के लिए और फुटबॉल के लिए और अन्य बहुत सारे अदर कार्यों के लिए, बोको हराम नाम का आतंकवादी संगठन के लिए बहुत कुप्रसिद्ध है, उस देश में आज बच्चों का चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। तो बच्चे होने चाहिए, तो पुत्र अगर संतान किसको चाहिए, पुत्र या पुत्री, वो पांडवों जैसे होने चाहिए, द्रौपदी जैसी कन्या होनी चाहिए, और अगर माँ होनी चाहिए तो कुंती महारानी जैसे। तो कुंती महारानी
बिलखते हुए रोते हुए फिर उनको कहते हैं कि जाइए। फिर इस प्रकार पांचों पांडव वहां पर जाते हैं और हम देखते हैं कि सर्वप्रथम किरमिरा को कैसे भीम मार देते हैं, और उसके बाद ब्राह्मण का वेश लेकर जो जटासुर नाम का एक राक्षस था वो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी को अपने भुजाओं में पकड़कर दौड़ता जाता है ताकि द्रौपदी का भोग कर सके और इन सबको मार सके। तो उसी क्षण सहदेव किसी प्रकार से उनके हाथों से निकल जाते और तलवार मारने लगते हैं और बहुत सारे बाकी जो राक्षस के उनके सेना थी उनको मारते हैं, परंतु जोर जोर से वो आवाज भी देते हैं, एक है आपकी क्षमता होना पर आपको अपनी क्षमता का लेवल भी पता होना चाहिए। तो सहदेव अपने से बाहर जाकर कुछ और एस्टिमेट नहीं करते थे स्वयं के बारे में, जितना एस्टिमेशन चाहिए उतना ही करते थे। उनको पता था जटासुर को मारने के लिए भीम लगे क्योंकि अर्जुन नहीं था, नहीं तो अर्जुन मार देते थे। तो भीम को आवाज देते हैं, भीम वहां पर आते हैं और जटासुर का वध कर देते हैं। इस प्रकार सहदेव से हमको पता चलता है कि हमको अपनी क्षमता पूरी उस पूरी भगवान की सेवा में लगाना है, परंतु हमारा लेवल भी पता होना चाहिए, कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी गुण है, हमको अननेसेसरली किसी और की तरह लोगों को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति जैसे सहदेव एक इंडिविजुअल है, इनमें एकता है परंतु व्यक्तिगत वो एक व्यक्ति है, तो अपना व्यक्ति जो महत्व है उनका जो पर्सनालिटी है उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस और उसका लिमिटेशन सहदेव को अच्छी तरह पता था। तो पूरे वनवास के 12 वर्ष होने के बाद अज्ञातवास में जब 1 वर्ष वो रहने के लिए जाते हैं विराट के राजा के यहाँ, तो तंत्रीपाल उन्होंने नाम रखते हैं अपना और पांडवों के बीच उनका नाम रहता है जयद्वल। तो पांडवों को या द्रौपदी को किसी को बुलाना है कोड लैंग्वेज में तो जयद्वल करके उनको बुलाएंगे। तो इस प्रकार से इनका नाम रख देते हैं और तंत्रीपाल करके वो राजा के पास जाते हैं और राजा को कहते हैं कि देखो मैं गायों का वगैरह अच्छा सेवा करता हूँ, तो बहुत अच्छी गौ सेवा करते हैं, सब गायों को बहुत प्रसन्न करते हैं, और जब आक्रमण किया जाता है जब कीचक का मृत्यु हो जाता है तो सुशरवण कहता है त्रिगता सेना के साथ मैं आक्रमण करता हूँ, राजा विराट के साथ मुझको पुराना स्कोर सेटल करना है और आप एक दिशा से इस दिशा से आक्रमण करो। तो उत्तर कुमार को सहायता करते हैं भ्रणला और सभी कौरवों को हरा देते हैं और इस दिशा से भीम, युधिष्ठिर महाराज, सहदेव और नकुल आक्रमण करते हैं और सहदेव बहुत सारी सेनाओं को तलवार से लड़ते हुए उनकी सारी सेनाओं को नष्ट करते जाते हैं। और जब रोका जाता है विराट राजा के द्वारा कि रुकिए और लोगों को मत मारिए, शरणागत हो चुका है सुशरवण, उन्होंने हमारा आश्रय लिया है, तब वो रुकते, अन्यथा आप पूरी सेना को समाप्त कर देते थे सहदेव। तो इसके बाद जब पुनः वो वापस आते हैं अज्ञातवास से, बहुत प्रयास किया जाता है कि शांति हो युद्ध ना हो, पर जब देखते हैं कि युद्ध निश्चित हो जाता है तो सहदेव को याद आता है कि मुझे शकुनी को मारना है। तो पूरे युद्ध में हम देखते हैं कि सहदेव नकुल की तरह सपोर्टिंग एक्ट देते थे, जहां भी कवर चाहिए, अर्जुन को कवर चाहिए, युधिष्ठिर को कवर चाहिए या भीम को कवर चाहिए तो कवर देते थे और बाकी सब लोगों को रोकते थे ताकि मेन योद्धा से लड़ते रहे। तो सहदेव सब दिन में इंपॉर्टेंट लड़े उन्होंने, पर सबसे उनका युद्ध का सबसे हाईलाइट रहेगा 18वां दिन, और 18वें दिन में सेनापति घोषित किया जाता है शाल्य को जो कि सहदेव के मामा है, और वो शाल्य के साथ लड़ते हैं, शाल्य को हराते हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध से पहले कहा था कि शाल्य को मैं मारूंगा, किसमें, भाला के युद्ध में। तो भाला के युद्ध में वो शाल्य को मार देते हैं, फिर उसके बाद उनकी सेना भागने लगती है, फिर शकुनी लड़ते हैं, शकुनी सहदेव शकुनी को इतने प्रहार करते हैं अनेक अनेक धनुष बाणों से दिव्य अस्त्रों से कि शकुनी युद्ध भूमि से डर के भागने लगता है और भागते हुए दुर्योधन के सामने आता है। दुर्योधन कहता है मामा कहाँ जा रहे हो, वो कहते हैं भांजे ये कोई जुआ का खेल नहीं है कि जहां पर मैं पासा घुमा दो और मैं जीत जाऊँ, इतना भयंकर है वो सहदेव और उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, मुझे पता है उस सभा में उन्होंने प्रतिज्ञा ली है और मेरा मृत्यु ये व्यक्ति मुझे यमलोक पहुंचाएगा, इसलिए मैं अपने प्राण को बचाना चाहता हूँ। कैसे तो करके दुर्योधन एक मोटिवेशन टॉक देता है और उस पेप टॉक के कारण उसको थोड़ा प्रेरणा आता है और वापस आता है और अन्य अस्त्रों से फिर प्रहार करने लगता है, फिर इतना प्रहार कर देता है कि सहदेव थोड़े से घायल हो जाते हैं, परंतु जैसे ही थोड़ा समय मिल जाता है फिर वो प्रहार करने लगते हैं और एक एक फिर उसके बाद एक भाला लेकर जोर से उनको मारने का प्रयास करते हैं। सहदेव एक दिव्य अस्त्र तीर मारते हैं और उस तीर से उनका बाया हाथ कट जाता है, फिर दाया हाथ काट देते हैं और उसके बाद एक तीर से उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो शकुनी का धरती पर गिरते ही और मृत्यु जैसे उनका वध हो जाता है सभी सेना भागने लगती है और दुर्योधन भी जो बड़ा बड़ा डायलॉग दे रहा था कि योद्धा को लड़ना चाहिए, भगोड़ा नहीं बनना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, एक्चुअली सहदेव भी शकुनी को वापस लाने में बहुत बड़ा कार्य करते हैं क्योंकि वो उनको कहते हैं कि अरे आप योद्धा हो, क्षत्रिय हो, डरपोक हो क्या, कभी
कहाँ जा रहे हो? तो फिर शकुनी कहता है, बहुत बोल रहा है, अभी लड़ता हूँ। परंतु जब शकुनी सहदेव पर भारी पड़ते हैं, तब उनको पूरा स्मरण आता है सहदेव को, कि कैसे द्रौपदी का अपमान किया था। और शकुनी बार बार कहता था, द्रौपदी को जीत गया, द्रौपदी को जीत गया, द्रौपदी हमारी दासी, द्रौपदी हमारी दासी। तो सहदेव को सब याद था, और इसलिए सहदेव उनका अंत कर देते हैं। और इस प्रकार युद्ध का ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली अंत हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन भागता है। तो इस प्रकार सहदेव शास्त्र में बहुत निपुण थे, शास्त्र जानते थे, नम्र थे, विनीत स्वभाव था उनका। और इतना ही नहीं, तो वे सुंदर रूप से अपनी सेवा करते हुए आजीवन युधिष्ठिर महाराज और अन्य जितने भी उनके पांडव भाई हैं उनकी सेवा करते हैं। और हम देखते हैं कि द्रौपदी से उनको श्रुतसेन करके पुत्र प्राप्त होते हैं, और उनकी और एक पत्नी थी जो कि दुर्यंती, जो कि मामा है सहदेव के, मतलब माद्री के भाई है, उनकी ही पुत्री विजया से शादी करते हैं। और विजया को स्वयंवर में जीतते हैं। तो स्वयंवर में ऐसा था कि विजया को प्रेम था ही बचपन से, क्योंकि राज्य में आते रहते थे वो, जो हमारे शाल्य राजा है वो लेकर आते थे मध्य प्रदेश में, तो सदैव उनके पास, तो उनके उनको देखकर आकर्षित बचपन से ही थी, तो इसलिए उनको ही सेलेक्ट करती है पूरे स्वयंवर में। और सहदेव और विजया से पुत्र होते हैं सुहोत्र। तो सुहोत्र ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे सहदेव एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं कि जिन्होंने जीवन भर साधु की सेवा हो, शास्त्र का अध्ययन हो, या क्षत्रिय के रूप में जो भी लड़ना है, सीखना है, और धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी कार्य करना है वो उन्होंने किया। और सदैव बैकग्राउंड में रहकर, और कभी भी जब राजा शाल्य उनको कहते हैं कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ नकुल, और इनको राजकुमार बनाते हैं मध्य प्रदेश के, तो सहदेव ने उनको कहा था कि आप हमारे बीच फूट बनाने का प्रयत्न मत करो, या हमारे बीच विवाद निर्माण करने का प्रयत्न मत करो। और शकुनी भी जब प्रयत्न करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि केवल तुम नकुल और सहदेव को बाजी लगा रहे हो, अपने भाइयों का नहीं लगा रहे हो, माद्री का पुत्र का लगा रहे हो। तो सहदेव और पहले युधिष्ठिर महाराज उनको बहुत डांटते हैं शकुनी को, और सहदेव भी कहते हैं कि हम दोनों भाइयों में, हम दोनों के माँ अलग हो सकते हैं, परंतु हम में बहुत प्रेम है, तो कृपा करके कभी आप प्रयत्न भी मत करो दुष्ट शकुनी करके, उनको वहां पर चेतावनी देते हैं सहदेव। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे किसी व्यक्ति को अगर सेवा करनी हो, तो उस व्यक्ति को अगर समझो सबका एक एक गोल है, और एक गोल के अनुसार कार्य करना है, और एक कैप्टन है, परंतु वो सब करते हुए भी व्यक्ति अपना व्यक्ति महत्व या पर्सनालिटी को डुबाने की आवश्यकता नहीं, इंडिविजुअलिटी को मारने की आवश्यकता नहीं। और मायावाद तत्व यही बतलाता है कि कैसे हर एक व्यक्ति जाकर ब्रह्म बन जाता है, परब्रह्म बन जाता है, और उसको उसका व्यक्तिगत जो सेवा का भाव है भगवान के प्रति, वो नष्ट हो जाता है मायावादी तत्व के कारण। और वैष्णव तत्व क्या बताता है कि हर एक जीवात्मा स्पेशल है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाया गया है, और वो अपने स्पेशल नेचर के अनुसार और स्पेशल रिलेशन में वो सेवा करता है भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जगत में। इसी प्रकार सहदेव जीवन के अंत में महाप्रस्थानिका पर्व के बाद जब श्री कृष्ण चले जाते हैं अपने लोक, तो अपने भाई के साथ हिमालय की दिशा में जाते हैं, और द्रौपदी के गिरने के बाद दूसरा व्यक्ति जो गिरता है वो है सहदेव। और भीम जब पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि इनका क्यों पतन हुआ है, ये क्यों गिरे, तो बतलाते हैं कि शास्त्र में बहुत पंडित थे, परंतु उस पांडित्य का उनको गर्व था, और उनको लगता था कि उनको बहुत कुछ आता है। तो भक्ति करते हुए हमको शास्त्र को पढ़ना है, पर शास्त्र को पढ़ने, शास्त्र का नॉलेज हमको होना चाहिए, पर उससे भी ज्यादा शास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य क्या है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद, कृष्ण और वेद और शास्त्रों को पढ़ने का मुख्य कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानने का। पूरे शास्त्र को निर्माण इसलिए किया गया है ताकि हमारा जो लॉस्ट रिलेशनशिप है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसको जोड़ पाए हम। तो इस प्रकार सहदेव का हमने देखा कि शास्त्र के प्रति जो उनका लगाव था, और शास्त्रों से कैसे उन्होंने ज्ञान से कैसे स्तुति की भक्ति का। अगला जो क्या हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो ऐसे महान भक्त का है जो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी आश्रय इस जगत में हमको सहायता नहीं कर सकता है कठिन परिस्थिति में, उस व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे अगली बार। हरे कृष्णा।